हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। चलो आज फिर हम नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने पार्ट टू का कुछ भाग पढ़ा। सबसे पहले वीडियो में पार्ट टू का शब्दार्थ देखा, दूसरे में मैंने पार्ट टू से शुरू किया और यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में कम्प्लीट किया था और आगे मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी अपनी पुस्तक लेकर बैठे और साथ में इसको देखते चले, पढ़ते चले। इसमें कह रहा है कि पहले मैंने पढ़ाया था कि दादी ने सोचा कि मेरी सगाई और शादी के बीच का जो एक साल का टाइम है उसे मैं अपने मनोनुकूल कार्य करके व्यतीत करूं, कुछ समय का सदुपयोग करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी अपनी इच्छा पूरी हो जाए और मेरा समय भी सही ढंग से उपयोग में आ जाए। तो दादी कह रहे हैं कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं घर पर रहूं और खाना बनाऊं, कढ़ाई सिलाई सीखूं। विवाह के पूर्व इनको सीख लेना अनिवार्य था। पहले के समय में होता था कि लड़कियां ससुराल जाएंगी तो उनको खाना बनाना पड़ेगा। उनकी ढेर सारी विशेषताओं को लोग वहां पर जांचते थे, इसीलिए माँ चाहती थी कि सारी गुणों में मेरी बेटी निपुण हो जाए। परंतु मेरे मन में कुछ और ही था, लेकिन मेरे मन में ये करना नहीं चाहती थी मैं। मेरे मन में कुछ और था, मैं कुछ और करना चाहती थी। मैं कुछ रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहती थी। मैं अपनी टैलेंट का, अपनी क्षमता का था लेना चाहती थी कि मेरे में ये क्षमता है या नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मुझे घर की चार दीवारी से बाहर जाने का अवसर दे। ये शुरू से बचपन से इनकी चाह थी कि मैं इस चार दीवारी में औरतों की जो जिंदगी है उसे बाहर निकलूं और कुछ अलग करूं। तो ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा कार्य चुनूं जिससे मुझे घर से बाहर जाकर के काम करने का मौका मिले। मैं चार भाइयों की अकेली छोटी बहन थी। इनसे बड़े इनके घर में इनके चार भाई थे और मैं व्यवहार में भेदभाव भी सहन नहीं कर सकती थी। पहले के समय में लड़की और लड़का में बहुत सारे गार्जियन जो है, माता पिता जो है, सो भेदभाव करते थे। उनके अनुसार लड़कों का कुछ अलग ही महत्व होता था और लड़कियों का कुछ अलग ही, और उसके लिए ये सहन नहीं कर पाती। ये भेदभाव इनको अच्छा नहीं लगता था। तो कह रहा है कि मुझे पता चला कि शहर में ये जो है सो भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती थी। ये माँ बाप के गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती थी और सौभाग्य से इनके पिता जो थे वो इनके समर्थन में खड़े रहते थे। मुझे पता चला, उसी बीच इनको पता चला कि कहीं स्कूल में कोई सीट खाली है शिक्षिका के लिए। और इन्होंने देखिए कह रहा है कि मुझे पता चला कि शहर के एक बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, एक गर्ल स्कूल कन्या विद्यालय जिसमें लड़की के शिक्षिका के लिए जगह खाली है। और डरते डरते मैंने अपने पिताजी से वहां नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। काम करने के पहले इन्होंने अपने पिता से अपनी इच्छा प्रकट की और उनसे अनुमति लेनी चाहिए। और पिता देखिए कितने अच्छे हैं, पिताजी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पिताजी ने इनको काम करने का परमिशन दे दिया। उत्साहित स्वर में मैंने कहा, मुझे तुम सबसे पहले सहर्ष स्वीकृति दे रही। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब पिता की तरफ से इन्हें हरी झंडी मिल गई। पिता की तरफ से जब इन्हें आज्ञा मिल गई बाहर काम करने की, तो ये अंदर से काफी उत्साहित हुई, काफी प्रसन्न हुई। ये अपनी खुशी के से अति मने प्रसन्न हो गई। मैं दौड़कर अपने भाइयों के पास, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो सोचते हैं कि अपनी खुशी किसी न किसी के सामने व्यक्त करें, और खुशी जो है सो बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो ये अपनी खुशी बांटने के लिए अपने भाइयों के पास चली गई और जाकर के उन्होंने समाचार सुनाया। मैं दौड़कर अपने भाइयों को शुभ समाचार देने गई और उत्साहित स्वर में मैंने कहा, मुझे तुम सबसे पहले नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि तुम लोग पढ़ करके भी बैठे हो और मैं अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट की और मुझे पिताजी की तरफ से आज्ञा भी मिल गई। इसका मतलब है कि तुम लोगों से पहले ही मैं नौकरी करने लगूंगी। भाई इन पर जो है सो कमेंट कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाइयों ने कहा, मेरे एक भाई ने कहा, रुको पहले नौकरी तो मिल जाए तब खुशी मनाना, अभी तो मिली नहीं है, मिल जाएगी कह करके तुम इतनी खुश क्यों हो, नौकरी मिल जाएगी तब खुशी मनाना। तो दूसरे भाई ने मजाक उड़ाया, तुम भला शिक्षिका बनोगी और सबको पढ़ाओगी। हूँ, मजाक उड़ाते हुए उन्होंने
इनसे कहा कि तुम भला शिक्षिका बन सकती हो और तुम किसी को पढ़ा सकती हो। संयोग से शिक्षिका के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। इन्होंने उस स्कूल में जाकर के आवेदन दिया और फिर इनका सिलेक्शन हो गया, इनकी नियुक्ति हो गई। मुझे सातवीं से दसवीं तक कक्षा में विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का अवसर मिला। इनको जो है सो क्लास 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला। मैं एक अच्छी छात्रा रह चुकी थी, ये अपने विद्यार्थी जीवन में एक अच्छी विद्यार्थी रह चुकी थी, इसीलिए इन्हें पढ़ाने में कोई बहुत ज्यादा झिझक नहीं हुई। मुझे स्वयं पर विश्वास था कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ। इनके अंदर अपनी जो एबिलिटी थी, जो क्षमता थी, उस पर इनको भरोसा था। हाँ, मेरे विद्यार्थी मुझसे उम्र में थोड़े ही छोटे थे, क्योंकि अभी अभी पढ़ाई पूरी की थी और बच्चे भी 10 तक के थे, इसीलिए इनको लगता था कि शायद बच्चे मेरी बातों को ढंग से नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे और उनकी उम्र में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इससे मुझे घबराहट होती थी, मुझे इस बात की चिंता सताती थी कि वे मुझे गंभीरता से नहीं सुनेंगे। मैं पढ़ाना प्रारंभ किया और दोनों विषयों को मन लगाकर पढ़ाया। जब हम अपने मन अनुकूल काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। अगर मन के विपरीत नहीं चाहने वाला काम अगर मिल जाए, हमको अगर करने की इच्छा नहीं है और हमें करना पड़े, तो वहां पर हमारा मन नहीं लगता है और उस काम को करने में हम बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम मनोनुकूल काम करते हैं, मन के अनुकूल हमें काम मिल जाता है, तो वहां पर हमारे भीतर एक अलग ही जोश, अलग ही जज्बा रहता है। और यह काम इनके मनोनुकूल था, इनके पास 1 साल के टाइम था और 1 साल को ये अच्छे से सदुपयोग करना चाहती थी और संयोग से इन्हें अवसर भी मिल गया और इसीलिए काफी उत्साहित थी और इन्होंने मन लगाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने में मेरी गहरी रुचि थी, ये बड़ी मन से पढ़ाती थी। रुचि मने होता है इच्छा। जिस दिन मुझे पहला वेतन मिला वह मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था। मनुष्य के जीवन में पैसे भले ही बहुत हो, लेकिन अपनी कमाई का बात ही कुछ अलग होता है। हम बहुत सारे पैसे बचपन से खर्च करते आते हैं, माता पिता से लेकर के खर्च करते हैं, तो उस समय पैसों का अहमियत नहीं रहता है, हमें उस पैसे के पीछे माता पिता की मेहनत का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हम खुद से कमाते हैं, उस दिन उस पैसे का मूल समझ पाते हैं और वह दिन हमारे लिए सबसे सुखद दिन होता है, चाहे वह पैसा कम हो या ज्यादा। तो कह रहे कि जिस दिन मुझे पहला वेतन मिला मेरे जीवन के सबसे सुखद दिन था। वेतन लेकर मैं सीधे पिताजी के पास गई। जब इन्हें पहला तनख्वाह मिला तो ये तनख्वाह लेकर के अपने पिताजी के पास गई। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बोली, आज मुझे पहला वेतन मिला है। हर बच्चा जो है सो अपने पहले कमीनी का एहसास, आनंद अपने माता पिता को देना चाहता है और ये भी चाहती थी कि ये पैसा मैं अपने पिता के हाथों में रखूं, ताकि उनको भी अपनी बेटी पर गर्व हो। यह मेरी पहली कमाई है, इसे मैं आपको देना चाहती हूँ। इन्होंने किसे कहा? अपने पिताजी से कहा। पिता गदगद हो गए, मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के पिताजी अति प्रसन्न हुए अपनी बेटी की इन बातों को सुन करके और अपनी पुत्री के हाथों को अपने हाथों में लेकर के बोले, मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम आत्मनिर्भर हो, तुम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, तुम अपने लिए अपना काम कर सकती हो, तुम्हारे में आत्मनिर्भर होने की क्षमता है, यह तुम्हारी पहली कमाई है और तुम्हारे अथक परिश्रम पर गर्व होना चाहिए तुम्हें। तुमने पढ़ाई का एक दिन भी व्यर्थ न जाने नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पूरी की और तुरंत अपने समय का सदुपयोग करके कुछ करने लगी, यही भावना सदा मन में बनाए रखो। पिताजी ने इन्हें सीख देते हुए कहा कि यही भावना जीवन में बनाए रखना कि अपने समय का सही सदुपयोग करना और मेहनत करके पैसे कमाना। पिताजी ने मेरे भीतर स्वाभिमान पैदा किया। पिताजी ने कहा कि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो, तुम किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला सकती हो, और उनकी बातों से इनके अंदर और भी स्वाभिमान की भावना पैदा हो गई। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि शिक्षिका की नौकरी सबसे अच्छी और सबसे अच्छी नौकरी है और ऐसी कमाई सबसे अच्छी कमाई है। जब हम किसी को कुछ देते हैं
ज्ञान देना सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान दान जो है सो सबसे बड़ा दान होता है। और पिताजी ने एहसास करा दिया कि शिक्षिका की नौकरी जो है, शिक्षक होना गर्व की बात है, शिक्षक होना एक गर्व की बात है। हम शिक्षक होकर के किसी दूसरे का जीवन संवार देते हैं, तो इस बात का एहसास इनके पिता ने इनको कराया। वे कहने लगे विद्या अभ्यास से बढ़ती है। पिताजी ने इनको समझाते हुए कहा कि अगर हम किसी को 5 रुपया देते हैं तो हमारे पास से वो रुपया किसी और के पास चला जाता है और उसका लाभ कोई एक ही लेता है, लेकिन यह विद्या जो धन है वह ऐसा धन है कि बांटने से यह घटता नहीं है, बांटने से यह बढ़ते ही जाता है। कह रहे कि धन उपयोग से घटता है और ज्ञान और सीख प्रयोग से बढ़ते हैं। ज्ञान को हम जितना ही बांटेंगे उतना ही हमें याद होता जाएगा। ज्ञान को हम जितना ही दूसरे को कहेंगे, कथा हम बार बार किसी और को सुनाते हैं तो वह कथा हमें स्वयं ही याद हो जाता है। तो कह रहे कि ज्ञान और सीख प्रयोग से बढ़ते हैं और बांटने से भी बढ़ते हैं। हम बार बार एक किताब को पढ़ेंगे तो वह कहानी हमें याद हो जाएगा और एक किताब को दूसरे को सुनाएंगे तो सुनने वाले को ज्ञान मिलेगा और हमें भी याद होता जाएगा। तो तुम किसी को पैसे देती हो तो लाभ पाने वाले को ही होता है। अगर हम कोई सामान किसी को उठा करके दे देते हैं तो जिसको मिलता है लाभ सिर्फ उसे ही होता है, देने वाला उसको गंवा देता है। लेकिन पर तुम 100 रुपया देती हो तो ये 100 रुपये किसी एक व्यक्ति के पास ही होंगे, पर यदि किसी को ज्ञान देती हो तो यह दोनों की संपत्ति हो जाती है। देने वाले को भी मिल गया और लेने वाले को भी मिल गया, लिया उसके पास भी इसका जानकारी बढ़ गई और जो दिया उसको भी इसकी जानकारी और बढ़ गई। यहाँ देने वाला कुछ खोता नहीं है। याद रखो ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता है। हमारे पास अगर बहुत ज्यादा धन है तो चोर आएगा उसे चुरा करके लेकर चला जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान है तो कोई कितना हो मारे पीटे चोरी करे लेकिन वो हमारे अंदर से कोई नहीं ले सकता है और न इसमें जंग लगता है। यह कभी बीजी भी नहीं लगता है, जंग भी नहीं लगता है, पुराना भी नहीं होता। यही कारण है कि बड़े बूढ़े के पास हम बैठते हैं और उनसे भी कुछ ले लेते हैं, उनका ज्ञान कभी खराब नहीं हुआ रहता है और नहीं न उपयोग होने से नष्ट ही होता है। हम उपयोग करें ना करें हमारे भीतर जो विशेषता है वो हमारे ही पास सुरक्षित रहता है। तो कह रहा है कि पिताजी की इन ज्ञान भरी बातों ने मेरे जीवन का ज्ञान भरी बातों से मेरे जीवन का मूल मंत्र मिल गया। इनको लगा कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी मिल गई। इनकी बातें जो है इनके जेहन में बैठ गया, इनके भीतर बैठ गया। वे मुझे इससे मूल्यवान और कुछ नहीं दे सकते थे। अगर हमें कोई पैसा देता तो वह पैसा खर्च हो जाता, लेकिन पिताजी ने जो मुझे ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य था। अब यही मंत्र तुम्हें दे रही हूँ। या अब देखिए, अब हम लोग आ गए फिर पत्र पर कि दादी कह रही कि मेरे पिताजी ने जो ज्ञान मुझे दिया था वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब फिर हम आ गए अपने पत्र में, कहानी पढ़ते पढ़ते हम दादी के जीवन में डूब गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए दादी और पोती के बीच में। दादी कह रही कि जो ज्ञान मेरे पिता ने मुझे दिया था वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटी, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, यह निरंतर होते रहता है। मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक कुछ पढ़ सकता है, कुछ सीख सकता है, इसकी कोई सीमा कोई समय सीमा नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलती है। जीवन हर दिन किताब के एक पन्ने की तरह है। हमारे जीवन का जो भी दिन व्यतीत होता है वो हमारे जीवन का जो फिक्स टाइम है उसमें से एक एक दिन घटते जाता है और हमारे ऊपर निर्भर है कि उस पन्ने पर हम क्या लिखें, अच्छा लिखें या बुरा लिखें, कुछ अच्छा करके उस दिन को यादगार बनाएं या यूं ही व्यर्थ करके उसे बर्बाद कर दें। तो ये कह रहे कि तुम जो चाहो सो लिखो, अपने जीवन रूपी दिन रूपी पन्ने पर जो चाहो सो लिख सकती हो, क्योंकि अपने जीवन रूपी किताब की लेखिका तुम खुद हो। हम लोग अपने जीवनी को लिखने वाले खुद होते हैं। हम जब नहीं रहते हैं तो हमारी कहानी कोई कहता है तो हम कैसे थे, क्या करते थे, अपने समय का सदुपयोग कैसे करते थे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमारी दिनचर्या दूसरे आदमी चर्चा करते हैं। तो गांधी जी भी कहे हैं, गांधी जी की कुछ बातें उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि गांधी जी कहा करते थे स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए।
अब देखिए गांधी जी भी स्त्री शिक्षा पर जोर दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो उसके शिक्षा का लाभ वही सिर्फ लेता है, क्योंकि पुरुष अगर पढ़े हुए है तो वह अपना शिक्षा अपने नौकरी के लिए पैसे कमाने के लिए खर्च करता है, लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित हो जाती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो कह रहा है गांधी जी, देखिए स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि पुरुषों को शिक्षित होना होने का लाभ केवल उन्हें ही मिलता है, लेकिन अगर स्त्री शिक्षित हो जाए तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। गांधी जी एक और का एक और मंत्र था, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए। हम अगर पढ़े हैं तो किसी और को पढ़ाए, वह किसी और को पढ़ाए, अगर हम लोग इस प्रकार चेन बना ले तो क्या होगा, सभी आदमी शिक्षित हो जाएंगे। और कह रहा है कि पढ़ाने का अभिप्राय सिर्फ किताबों से ही नहीं है, पढ़ाने का अभिप्राय ज्ञान से भी है। अगर हम किसी को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन शैली में सुधार करने के सीख देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का पढ़ाई ही है। कह रहे कि उनका अभिप्राय केवल शिक्षा देना नहीं है, और जो शिक्षा से वंचित है, उनका अभिप्राय था कि जो शिक्षा से वंचित है उनके सोच विचार को व्यापक बनाया जाए, उनका जो संकुचित मन है उसको उसमें ज्ञान का प्रकाश भरा जाए। कह रहे बेटी अपने ज्ञान को तुम दूसरों में बांटो, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो उसे तुम अपने ही पास अगर सीमित रहोगी रखोगी तो बाद में उसका उपयोग दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उसका उपयोग तुम ही कर सकती हो। इसीलिए तुम अपने ज्ञान को बांटो, और विशेषकर उनमें जो पुस्तकों के अभाव में पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिनके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, पढ़ने में समर्थ नहीं है, उनको तुम बुला करके उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको अपने ज्ञान में से कुछ दो, उन्हें शिक्षा से वंचित मत होने दो। जो भी तुम्हारे अगल बगल में, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग ऐसे मिले जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको तुम ज्ञान दो। कठोर परिश्रम का फल सदा अच्छा होता है, अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। जो भी काम शुरू करो उसे सही ढंग से अंत तक ले जाओ, जो भी काम अगर प्रारंभ करो तो बीच में उसे कभी मत छोड़ो, काम को अगर शुरू कर दो तो मन लगा करके उसे समाप्त भी करो। परिश्रम अंत तक करो, परिश्रम कम हो लगे या अधिक मन लगाकर जरूर करना चाहिए। अभी किसी काम में हमारा बहुत ज्यादा परिश्रम हो और पारिश्रमिक भले ही कम मिले, लेकिन काम को तुम जब भी करो तो मन से करो, करे कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सफल हो, और यही मेरा आशीर्वाद है। लास्ट में दादी ने अपने आशीर्वाद के साथ इस पत्र को पूरा किया, और उन्होंने कहा कि ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक सीख है और तुम इसे अपने जीवन में उतारो। और इस प्रकार दादी जो है सो अपने पत्र को पूरा करती हैं और अपने पोती से ढेर सारा उम्मीद भी लगाती हैं। तो इस प्रकार ये पाठ आपका खत्म हो गया, अगले लेक्चर में मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलिए ओके।